नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि Redmi का Note 8 Pro हमने मंगवाया है लॉकडाउन के टाइम पीरियड में। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये कि ये फ़ोन हमारे एक दोस्त ने मुझे बोला कल फ़ोन करके कि हमें एक फ़ोन चाहिए। तो हमारे यहाँ एक दोस्त है जिसकी एक मोबाइल की शॉप है, हमने उसको फ़ोन किया और फिर उसको बोला कि हमें एक मोबाइल चाहिए Redmi Note 8 Pro। उसने बोला कि फ़ोन मिल जाएगा, फिर हमने उसको फ़ोन कर दिया और फ़ोन लेकर के आ गया। मैं दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चलो अब इसके अंदर क्या क्या है। दोस्तों ये फ़ोन तो बहुत ही अच्छा है, हमने यूज कर लिया है, देख लीजिए कि क्या क्या है इसमें। वैसे फ़ोन की लुकिंग, चार्जर वगैरह सब इसमें अच्छा है। दोस्तों इसके मैं कुछ आप लोगों को फीचर्स बता देना चाहता हूँ। इसमें कैमरा है, जो बैक कैमरा है 64 मेगापिक्सल का है, जो फ्रंट कैमरा है वो है 20 मेगापिक्सल का। बैक वाले में चार कैमरे हैं, 64, 8, 2 और 2, मतलब दो कैमरे 2-2 मेगापिक्सल के हैं, एक 8 मेगापिक्सल का, एक 64 मेगापिक्सल का है। और इसका प्रोसेसर हीलियो G90T पे ये प्रोसेसर काम करता है। इसकी डिस्प्ले जो है हमारी है 6 इंच, 6.5 इंच के लगभग में है। बैटरी इसकी है 45 mAh की बैटरी है। प्रोडक्शन गोरिल्ला ग्लास 5 इसमें लगा हुआ है और इसकी मेमोरी 6GB और 128GB वाला फ़ोन है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करता है MIUI 10 पे काम करता है, एंड्रॉयड 9 सपोर्ट करता है, ठीक है। अपडेट आएगी तो 10 भी सपोर्ट कर लेगा और एलेक्सा इनबिल्ड है इसमें। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका कैमरा बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है, हमने यूज किया है, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग की है इस कैमरे से। इसका लुक भी बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों मैं इस कैमरे से अपनी टिकटॉक की बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ। इसका स्लो मोशन वीडियो बहुत ज़बरदस्त, सुपर स्लो मोशन इसमें है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाता है। अगर आपको ये हमारा फ़ोन अभी के टाइम पीरियड में लॉकडाउन में आया है, 16,000 रुपये का आया है, 16,200 रुपये लिया है उसने, ठीक है, घर ला करके हमें पहुंचा करके दिया है दोस्तों। तो ये फ़ोन का लुक और इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त है। 4 कलर में था दोस्तों, हमने वाइट कलर का मंगवाया है इसको, ठीक है। ये फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें एलेक्सा इनबिल्ड भी है। ये फ़ोन की बात करें बहुत ही ओके रिपोर्ट है इसमें।